हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप्स टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं और उनको प्रैक्टिकली देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमारा फ्रेंड्स स्टेप वन है। स्टेप वन में हमें मिल रहा है ओपन टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर के बारे में फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाओ उस वीडियो को डिटेल में देखो। नेक्स्ट, नोट पैड इज़ रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स। फ्रेंड्स जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसमें जो नोट पैड है वो रिकमेंडेड होता है, यानी कोई भी स्टूडेंट है जो कि HTML सीख रहा है, पहली बार सीख रहा है, तो हमेशा उसे HTML की कोडिंग नोट पैड पर करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अदर जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं अदर टेक्स्ट एडिटर्स, कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर चाहते हैं, तो आपके लिए अगर आप बिगिनर हो तो आप नोट पैड या फिर नोट पैड प्लस प्लस के साथ शुरुआत कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, तो पहले स्टेप को हम पूरा कर लेते हैं। पहला है ओपन टेक्स्ट एडिटर, तो हम टेक्स्ट एडिटर में अपना नोट पैड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नोट पैड ओपन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप टू, विच इज टाइप द कोड ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट। अपने HTML डॉक्यूमेंट की कोड यहाँ पे लिख दीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, कोड लिखते समय कुछ जरूरी बात मैं आपको बताऊंगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट की कोडिंग जो कर रहा हूँ वो स्मॉल लेटर्स में कर रहा हूँ। आप यहाँ पे स्मॉल लिखिए या कैपिटल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि HTML क्या है फ्रेंड्स, HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग समझा जाए, लेकिन HTML में ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने अपने पेज का हेड सेक्शन यहाँ पर फाइनल कर लिया है। ये है हमारा हेड सेक्शन जितना मैंने सिलेक्ट किया है, और हेड सेक्शन के बाद मेरा आता है बॉडी सेक्शन। तो यहाँ पे बॉडी ओपन और यहाँ पे सिंपली बॉडी क्लोज। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा स्टेप टू, लेट्स सी द स्टेप्स थ्री। नेक्स्ट स्टेप इज, और ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझना, सेव योर फाइल। अपने फाइल को सेव करना है। सिलेक्ट द लोकेशन टू स्टोर योर फाइल। सबसे पहले सेव करते समय हमें अपने फाइल की लोकेशन को अच्छे से देख लेना है कि हम अपनी फाइल कहाँ सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट है, फिर अपने फाइल का नाम लिख लीजिए। नोट में क्या है फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू पुट एक्सटेंशन .html और .htm। ये फ्रेंड्स दो एक्सटेंशन है, दोनों एक्सटेंशन में से आप कोई भी लगा सकते हो। यहाँ दो एक्सटेंशन क्यों होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि फोर लेटर के एक्सटेंशन को सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं फ्रेंड्स जो थ्री लेटर के एक्सटेंशन को सपोर्ट करते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए फाइल को सेव करते हैं, और फाइल को सेव करने के पहले एक मैं सेटिंग यहाँ पे ऑन कर लूँ मैग्निफिकेशन की, ताकि फाइल को जब मैं सेव करूँ तो आपको साफ साफ समझ में आए कि मैं अपने फाइल का एक्सटेंशन क्या देने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये मेरा अभी जूम है। ठीक है, जूम मैंने क्यों किया वो अभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मेरा लोकेशन है फाइल का। तो फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, देखते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिए डेस्कटॉप आ गया फ्रेंड्स, और डेस्कटॉप में नीचे की साइड ये देखिए यहाँ पे HTML प्रैक्टिकल नाम से फोल्डर है, मैंने इसको ओपन किया। और ओपन करने के बाद अब यहाँ ध्यान देना फ्रेंड्स, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अपने फाइल का नाम हमें देना है, तो हम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे होम दिया है। होम देने के बाद आपको एक्सटेंशन देना है .html। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप यहाँ गलती कर दोगे ना तो आपका जो डॉक्यूमेंट बन जाएगा वो .txt बन जाएगा, जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, वो HTML डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो बस इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने अपनी फाइल को सेव किया। ठीक है, और फाइल को सेव करने के बाद अब क्या करना है, अब हमें मैग्निफिकेशन को ऑफ कर लेना है। तो ये मेरा मैग्निफिकेशन ऑफ हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारी फाइल बनी है कि नहीं।
इसको मिनिमाइज करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये देखिए HTML प्रैक्टिकल है और यहाँ पे होम है। होम देखिए बन गया गूगल क्रोम के रूप में। आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा फ्रेंड्स, ये उसी रूप में सेव हो जाएगा। और ये देखिए फाइल हमारी रन हो गई, ठीक है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मैंने इसमें कोई हेडिंग वगैरह नहीं दिया है, ठीक है। बॉडी में कुछ नहीं है ना फ्रेंड्स, इसलिए कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं H1 और यहाँ पे H1 क्लोज, और इसमें हम दे देते हैं हेलो। कंट्रोल एस कर लीजिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपने पेज पे जाइए और रीलोड कर लीजिए यहाँ से, या तो आप F5 प्रेस कर सकते हो। ये देखो फ्रेंड्स हमारा हेलो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।